हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका वीडियो। कुछ ज़्यादा हो गया जी। बात करें डेंजर क्लोज बैटल रॉयल गेम के बारे में, काफ़ी ज़्यादा जल्दी 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ये गेम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पर, उसमें भी अच्छा खासा व्यू आ चुका है। 100 से ऊपर व्यू आया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल छोटे छोटे कदम से बड़े कदम होते हैं, पता नहीं क्या बोल दिया मैंने। जो भी हो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसा कुछ। हाँ, वही डायलॉग मार सकते हैं लोग। तो जो भी हो, इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि वीडियो भी थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। और जहाँ तक है डेंजर क्लोज बैटल वेल की, उसने भी 1 मिलियन क्रॉस कर लिया है काफ़ी जल्दी। मतलब जिस दिन जब मैंने वीडियो इसका फर्स्ट वीडियो बनाया था, तब 500K था, अभी 1 मिलियन हो चुका। तो चैनल पर जाकर मतलब प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं उनके, और उनका ऑफिशियल ट्विटर वीडियो में भी बहुत सारा मतलब है। तो मेरे लिए मुझे तो बहुत खुशी है कि ये गेम काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, बिकॉज मुझे पर्सनली ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद है फ्री फायर के मुकाबले। गजी घनप मतलब गजब बेचती, सॉरी कुछ नहीं। तो आप जैसे कि आप लोग देख सकते हो, TDM का गेम प्ले मैं खेल रहा हूँ। ये TDM मोड है उन लोगों का, ठीक है। बहुत सारे मोड है इसमें, कस्टम खेल सकते हो, अपने फ्रेंड को बुला के बैटल वाले खेल सकते हो वगैरह वगैरह। मतलब लगभग एक गेम में जो जो खासियत होती है सब डाल दिया गया इसमें, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको कमी महसूस हो सकती है, लेकिन जिसके FPP खेलना पसंद है उसे बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सेंसिविटी थोड़ा इसको हाई है, और आपको बहुत ज़्यादा खुद से रिकॉल कंट्रोल करना पड़ेगा, या तो वो टैप करना पड़ेगा, या तो आपको सेंसिविटी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जब आप ठीक रहेंगे। स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा दिक्कत हुआ था सेंसिविटी को लेकर, और बाहर मतलब आउट ऑफ इंडिया के, हाँ ऐसे कुछ बोलते हैं, मतलब बाहर से भी मेरे को व्यू आए इसका, और दो एक बंदे ने कमेंट भी किया था कि उनको ऐड करना इस गेम के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं उस कौन से लैंग्वेज से बात कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको ऐड कर लिया है अपने इस फ्रेंड लिस्ट के अंदर। और जहाँ तक बात करें, मुझे ये गेम पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये 1 मिलियन हो चुका है। तो बार बार मैं ये बात बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को गेम खेलना पसंद है, मतलब बैटल रॉयल का गेम खेलना पसंद है, डेफिनेटली आप एक बार प्ले स्टोर में जाकर इसको इंस्टॉल कीजिए। FPP के अंदर आपको थोड़ा सा स्लो लग सकता है ये गेम, बट जिसमें जब आप स्टार्ट करेंगे उसको शूट करना, या मतलब फायर स्टार्ट करेंगे जब, मतलब क्लोज रेंज फाइट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि FPP के अंदर भी अच्छा खासा फास्ट है ये गेम। मतलब थोड़ा सा लग सकता है आपको थोड़ा सा स्लो गेम है दूसरे गेम के मुकाबले, पर ऐसा कुछ नहीं। ये गेम का जो है मतलब बनावट ही ऐसी है, समझ लो इतना बात। और जितने MB के अंदर ये आता है, मेरे को लगता है सबसे बेस्ट गेम होगा अगर बैटल रॉयल मोड इसमें है। और आप इन्जॉय भी कर सकते हैं, 20 प्लेयर्स एक साथ उतरते हैं, और आपका 7 या 8 किल भी हो सकता है अगर आप अच्छे से गन वगैरह का रिकॉल कंट्रोल कर पाओ। तो मैं 4 या 5 से ऊपर क्या किल कर ही नहीं पाया, और रियल बंदे आते हैं इसमें। मैं पहले बताता हूँ, बैटल वेल का पता नहीं, बल्कि TDM के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा हेवी प्लेयर आते हैं। और जिस लोगों ने पूरा का पूरा मतलब सूट वगैरह और जो स्किन वगैरह और नया नया गन पूरा अपडेट, मतलब स्किन के साथ नया गन खरीद लिया, मतलब और जो कैरेक्टर वो भी खरीद लेते हैं लोग, पर महंगे महंगे जो पैसा खर्चा करते हैं स्किन के अंदर। मेरे से तो होगा नहीं भाई, जितना मेरे कलेक्शन के उससे मैं गन खरीदने के बाद आपको कैरेक्टर खरीद के दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर मेरे को पास थोड़ा सा पैसा बचा है तो। क्या यार पैसा करते रहते हैं। जहाँ तक बात करें गेम प्ले, जैसे कि आप देख सकते हो, ये इसमें इसका 9 में फिर शायद इसका इस गेम का, ठीक है, 9 ही होगा शायद, ये देखना पड़ेगा। जी हाँ गाइस, 9 मैप है इस गेम के अंदर, जिसमें से अब TDM के अंदर 9 मैप का मतलब टाइम के 9 मैप है, जिसमें आप आराम से इंजॉय कर पाएंगे, आपको बोर नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा मैप है, 9 मैप काफ़ी होते हैं TDM के लिए, ठीक है। और लगभग हर मैच में आपको अच्छा खासे हेवी प्लेयर को मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी। और देखिए ये सेकेंड मैप है, ठीक है, 9 मैप है, इसमें से नाम उसमें मैंशन नहीं है तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन ये नाइट के टाइम एक सिटी है जिसमें डीजे लाइट DJ वगैरह, और मतलब ऐसा लगता है बार इस टाइप का है। ये सेकेंड मैप है जो मैंने गेम प्ले को, इन लोगों का जो गेमिंग में मतलब गेमिंग क्या बोल रहे हैं, जो ग्राफिक्स है ना, मैंने इसको मैक्स में रखा है क्योंकि मैं पोको M2 में खेल रहा हूँ, ये हाई ग्राफिक सपोर्ट करते हैं। तो मुझे मैंने पूरा अपना सेंसिटिविटी बना लिया है, और साथ में पूरा ग्राफिक को भी हाई कर लिया है। जो डिटेल है ना, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जितने MB के अंदर ये आता है, 200 के आसपास ऐसा कुछ होगा, जितने भी MB के अंदर ये आता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसका जो ग्राफिक है नेक्स्ट लेवल है। मतलब एनिमेशन टाइप कार्टून टाइप लगता है, पिक्सल समझ में आया, पिक्सल टाइप ऐसा कुछ, बट मस्त है, बहुत ही ज़्यादा मस्त है। आप देख सकते हो मून निकला है ऊपर की तरफ, और बिल्डिंग का लाइट वगैरह, स्टार और बार और बैकग्राउंड साउंड जो है वो तो OP है, मतलब पूछो मत, OP बैकग्राउंड साउंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस गेम का। ईयरफोन लगा के आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप इस गेम को इन्जॉय कर पाएंगे, ठीक है।
मैं पता नहीं तारीफ के पुल बांधे जा रहा हूँ इस गेम का, बट ये वीडियो लंबा होते जा रहा है मुझे पता है, बट जिस जिसने इस वीडियो को देखा है पहले, इसका जो पहला वीडियो था उनको पता होगा, इसका जो बैटल रॉयल मोड काफ़ी सही है। उसमें 2 या 4 ऐसे प्लेयर जिसमें को ऐड करके एक मस्त बैटल रॉयल मैप बनाया गया है, वो भी काफ़ी सही है। उसका भी गेम प्ले मैं डालूंगा। ज़्यादातर अभी नया खेल रहा, मतलब मैंने बीच में थोड़ा खेलना कम कर दिया था क्योंकि मेरा इसका लेवल बहुत कम है, इस वजह से थोड़ा बॉड भी आ सकते हैं, लेकिन जब रियल बंदे बहुत ज़्यादा जीतना काफ़ी डिफिकल्ट है। मतलब अब आपको अगर लगता है आप 6 या 7 मैच खेलेंगे उसमें से 2 या 1 मैच ही जीत पाएंगे TDM का, मतलब क्लासिक के अंदर, ठीक है, बैटल रॉयल मोड में, ये बात आप मान लो। क्योंकि आप अगर TDM इंस्टॉल करेंगे आपको पता चल जाएगा पहले मैच से आपको रियल बंदे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, नो बॉड बहुत ज़्यादा कम है। और मतलब जो तो गन मिलते हैं ना, शॉट गन है AK जो यूज़ करते हैं भाई, सब दवाई, मतलब आपको गन खरीदना पड़ेगा। मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट गन है मैं उसी को चला रहा हूँ फिलहाल, लेकिन मैं भी खरीदने वाला हूँ नया गन। इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे गन है, AKM है, शॉट गन है, स्नाइपर है, और खंजर बोले तो खंजर, हाँ, और कैरेक्टर का कुछ पावर भी होता है, जैसे कि ग्रेनेड का पावर थोड़ा बढ़ जाता है, और आप हेल्थ की जो जल्दी हेल्थ जल्दी रिकवर होगा, और जो ये बॉम्ब है उसका भी वगैरह वगैरह, मतलब हर चीज़ आप अपडेट कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। कस्टमाइज का भी ऑप्शन है, आप चाहे तो आप कंट्रोल वगैरह ठीक कर सकते हैं। मेरे जैसा भी थोड़ा सा मेरे को परफेक्ट लगा, मतलब जुगाड़ लगा के मैंने इसको बनाया है, जहाँ तक मेरा हाथ जाता है मैं वही तो बनाऊंगा। तो आप अपने हिसाब से आपका मतलब सेटअप कर सकते हैं, आप फ्लो खेलते हैं, थाम खेलते हैं, आप सेंसिटिविटी और मतलब आपका जो है कंट्रोल वगैरह आप आराम से सेट कर पाएंगे। ग्राफिक भी आप खुद के हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। बताओ गेम प्ले देख सकते हो, मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ, मार भी रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं मार रहा हूँ, और मुझे इसका गेम का बस ग्राफिक 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 मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। बॉल बॉल का थक गया हूँ मैं, लेकिन तो फिर भी बोलूँगा डेफिनेटली अगर आप बैटल रॉयल गेम में TDM मोड वगैरह आपको इंटरेस्टेड हो इसके टाइप गेम पे, तो डेफिनेटली मैं इसको ट्राई करने के लिए बोलूँगा। मैं जो भी गेम प्ले मैं डालता हूँ ना अपनी वीडियो के अंदर, मैं वो सारे गेम कम से कम 2 महीने 3 महीने 4 महीने खेलता हूँ बैक टू बैक। मुझे हफ्ते में 2 या 3 मैच 4 मैच करके खेलता ही हूँ। उस गेम को खेलने के बाद मुझे पहला जब अच्छा लगता है इसके बाद मैं जब वीडियो बनाता, ऐसा नहीं कि कुछ भी गेम में आपको बस चैनल के लिए डालना है, लेकिन कोई भी गेम इंस्टॉल करके खेल के आपको वीडियो अपलोड करता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मैंने अब तक जितने भी गेम में डाले हर किसी में मेरे खुद का गूगल अकाउंट लॉगिन है, मतलब समझ रहे हो ना, फेसबुक या गूगल लॉगिन है, उसको खेलता हूँ। और महीने में मैं मतलब कम से कम 7 या 8 मैच हर गेम को खेलता हूँ, 7 या 8 मैच करके हर हफ्ते में। मतलब आई होप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, 2 मैच कंप्लीट और सारे मेरे पे आने वाला वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर।